YouTuber is doing a video along with a YouTuber. Like a bad boy attitude also comes over there. Ki, snake rakhne. So Debankan is a bad boy, huh? It's coming in a video. Okay, shaadi mein problem ho jayega. So, रखने से पहले आपको क्या क्या चीज जान लेना चाहिए? Snakes, Indian, जो कुछ भी है, those are all illegal. Snakes, iguana, इस तरह कुछ रखना है जो कि शायद फैमिली लोग मना करेंगे. तो मिस्टर देवांगन का ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन कॉपी दैट. जो शादी करना चाहेंगे नॉटी बॉय. फॉर ऑनिस एक्वा आई विश मिस्टर नॉट मिस्टर देवांगन मिस्टर फ्रेंड्स आज आ रहे एक नया एपिसोड में इन ऑनिस एक्वा जहाँ पे जस्ट अंदाज लगाइए आप इग्वाना तो देख लिए बर्ड्स भी देख लिए यानी कुछ ना कुछ नया चीज आप देख रहे हो मेरा चैनल में तो क्या आपको मिल सकता है क्या आप देख सकते हो क्या बाकी रह सकता है इन कैलकटा सही समझो आप स्नेक यस स्नेक्स वो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज देखने वाले हो विद नन अदर दैन मिस्टर देवांगन तो मिस्टर देवांगन का परिचय दे दे रहा हूं ही इज एन आर्डेंट ब्लॉगर साथ ही साथ ही इज एन आर्डेंट हॉबिस्ट ऑल्सो और तो ही इज अ रेप्टाइल कीपर एज वेल जिनका अभी ब्रांड नेम ये बहुत ही कम देखने को मिलता है तो शायद आई होप यू विल बी एंजॉयिंग इट वेरी मच ये जरा बोलिएगा कि एज टू लाइक व्हाई स्नेक्स और फर्दर की एज टू व्हाट यू फाइंड अपीलिंग इन स्नेक्स स्नेक इज अ like the thing that normally people do not keep very often absolutely so there's a scary part of it absolutely. and something scary like you know attracts also ki matlab humko ye cheez thoda rakhna hai but when you study more no you get to know like snakes are venomous as well as non venomous okay. so okay. keeping venomous snake thoda sa mushkil hai and obviously mushkil bahut hi hai thoda nahi so non venomous snake I'm keeping and appealing bole to uska color wagera is very appealing Its movement is very appealing and बोला ये भी जाता है that you know snake किसी का सगा नहीं होता तो सगा नहीं होता like मतलब खिलाओगे पिलाओगे लाख इसमें तुमको ही डंक मार के तुमको ही मारेगा तो just tell me one thing I'm interrupting sure 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 is it ऐसा जो आप बोले हो maybe we have heard it somewhere क्या बात है So how does it feel on your skin? कैसा feel कैसा होता है? Like you know something slithering here and there. That's how it feels. Can I like try it out? No. Can I just see how it feels on the skin? Yeah, you can. Okay, but let me just see. Should be right there. See. It will try to grip your hand, but. प्रॉब्लम हो जाता है जब वो बड़ा ही टेल लाइक ये जो बॉन्ड के बारे में बोल रहा था हाथ हैंडलिंग के वजह से ना ये हाथ को थोड़ा पहचानता है सी इट इजीली आई डिडंट जस्ट आई रेज माय हैंड इट जस्ट सो वाज देयर एनी एक्चुअली डिफरेंस कि आपको इजीली वो पहचानता है और मुझे नहीं पहचानता है ओके सो कोई डिफरेंस था बट विद द इग्वाना आई सॉ लास्ट डे वो मुझे जैसा दिखा रहा था कि वो मेरा टेरिटरी है वो मुंडी हिला के बॉबिंग हेड बॉब बट इसका ऐसा कुछ है कि ये कोई स्ट्रेंजर को देख के इट एक्ट्स डिफरेंटली नो नॉट लाइक दैट माने इफ आई पुट इट इन योर हैंड इफ इट्स फ्रेंडली राइट नाउ एंड इट्स एक्सप्लोरिंग इट्स एक्चुअली वेरी यंग सो अभी वो इतना बड़ा भी नहीं है एंड दीज स्नेक्स कॉर्न स्नेक्स आर वेरी डोसाइल इन नेचर ठीक है इफ इट्स हैंडल्ड वेल बाय द ओनर देन उसका एग्रेसिव नेचर भी कंट्रोल में ही रहता है तो as I've handled you, given you, mm-hmm. it felt normal, right? Yeah, I felt कि कोई बड़ा बात ही नहीं है इसको पाल Exactly, yeah. exactly.
कि एक बार हुआ था ये ऑलमोस्ट मरने वाला था इट ऑलमोस्ट डाइट बिकॉज देर वॉज सम प्रॉब्लम विद द सेटअप सो इट गॉट डिहाइड्रेटेड सो बैड कि वो उल्टा होके ऑलमोस्ट इट वॉज अबाउट टू डाई एंड उस पॉइंट से उसको बचाना वॉज नेक्स्ट इम्पॉसिबल बट जब से उसको बचाया ना आई फील दैट आई डोंट नो दैट इज माई गट फीलिंग विच सेज कि मतलब समथिंग मैंने मस्ट हैव बीन लाइक वो समझता है मतलब अबाउट मी और सम बॉन्डिंग हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम दैट ऑल्सो व्हेन यू फर्स्ट ब्रॉट इट एट योर होम पहला तो जानना चाहेंगे एज टू आपका फीलिंग क्या था और तो और आपका फैमिली वालों का फीलिंग क्या फॉर मी लाइक ब्रिंगिंग इट वॉज लाइक यू नो 50-50 चांसेस कि मैंने इधर तो घर से निकल देगा इधर तो घर पे रहेंगे दैट वॉज द फीलिंग विच वॉज हैपनिंग बट यू नो इट्स ऑलवेज मैंने वी हैव टू टेक द रिस्क एज अ हॉबीस्ट बीट एनीथिंग ओके सो इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग जगह पे है तो आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या व्हाटएवर एल्डर्स पेरेंट्स लोगों का परमिशन लेके या बोल के फिर लाए थे ना छुप छुपा के ला दिए फिर शायद मैनेज कर लेंगे डैडी को How was the entire thing? So the thing is that you have to know the temperament of your house. ठीक है How is the temperament of your house and whatever you're bringing, उसका like you know spread out area कितना है मतलब it stays in a box. ठीक है And box के बाहर गया तब दिक्कत है So I knew its limitation is in the box. ठीक है तो बाहर ज़्यादा निकलना नहीं है Second thing is that family को अगर directly बोलूँगा snake तो straightforward it's a big no. ठीक है सो बट यू हैव टू नो इनिशियली आप बिना बोल के लाए थे घर पे बताना जरूरी है विच आई फील सो आई ऑलवेज क्रिएट एन अलार्मिंग सिचुएशन कि घर पे स्नेक आ चुका है पहले से ही सो दैट देयर माइंड गेट्स हैबिचुएटेड विद दैट आई मीन टू से भला कि तब आप सचमुच लाए नहीं थे मतलब पहले पहले फॉल्स मारे थे ताकि सबको थोड़ा मेंटली जो कि शायद फैमिली लोग मना करेंगे तो मिस्टर देवांगन का ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं यू कैन कॉपी दैट ठीक है यानी नटखट शैतान बच्चा जान लीजिए शादी करने का और एक माइनस पॉइंट मतलब जो शादी करना चाहेंगे बहुत नटखट नॉटी बॉय ठीक है अच्छा तो सेकेंडली अच्छा तो आप बोलिए कि एज टू व्हेन आप सचमुच फिर बोले थे आपका पेरेंट्स को देन एक्चुअली व्हाट वाज देयर रिएक्शन सो बेसिकली माय फादर वाज लाइक माने ही डिडंट आंसर एनीथिंग माने मोर ज़्यादा कुछ बोला नहीं देखा मतलब ही साइलेंस वाज आंसर टू मेनी थिंग्स सो जब बोल दिया उसका गुस्सा नहीं हो गया नहीं वही माने साइलेंस इज मच मोर डेंजरस देन मतलब दो थप्पड़ पड़ गया तो बात खत्म दैट एंड्स बट व्हेन इट्स साइलेंस देन दैट्स द प्रॉब्लम साइलेंस होता है तो तब दिक्कत होता है कि क्या सोच रहा है सामने वाला बंदा मतलब जो भी है पिताजी हो माँ हो जो भी है तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम तो वही उसके साथ ही थोड़ा कोप अप अभी वन बिग पॉइंट इज दैट एज माई होम एक जगह पे है एंड माई वर्क दिस इज माई वर्क प्लेस वेर यू हैव कम यू नो तो दिस इज एक्चुअली पाइसिस द फार्म जहाँ पे मतलब फार्मिंग वगैरह होता है सो दिस प्लेस पे ही मेरा थोड़ा बहुत ये रेप्टाइल्स हो या फिर जो भी हो दैट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ माई फैमिली या फिर जो भी है ठीक है आई कीप ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर जो मतलब ऑब्जेक्शन हो या फिर तो मतलब घर वाले को तो आई कीप इट आउट ऑफ द रीच सो दिस वे समहाउ एज सम डिस्टेंस इज मेंटेन्ड एंड बस उसीलिए उतना ज़्यादा कुछ वो नहीं बोलते बट दे डोंट एनकरेज इट ठीक है आई थिंक हॉबी शुड बी हैप्पी इफ इट्स न्यूट्रल ओनली हां एब्सोल्युटली अगर बस रिलेशन तो स्ट्रेन नहीं हुआ दैट शुड बी इंपॉर्टेंट दैट इज इंपॉर्टेंट पेट पालते गए और आपका पकड़ लीजिए फैमिली मेंबर्स के साथ एक रिलेशन एक डिस्टेंस हो गया बहुत एक मेंटल एक अटैचमेंट थोड़ा कुछ ये हो गया लाइक सो दैट शुडंट बी देयर सो बस दैट्स इट करेक्ट आई सपोज आप योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स दे डू दे नो इट कि यू कीप इट No, I'll tell you something, mm-hmm. I'll tell you something. Whatever, be it reptile or whatever fish or pets which I have a theory which I follow. Mm-hmm. That is, I try not to expose as much as possible because, only because I do it in Facebook and Instagram. Mm-hmm. Just because I'm running a, you know, YouTube channel or blog channel, it is right. important to keep updated. Yep. You shouldn't also advertise this because a lot of people have confusion ki whether this is legal or not and log, you know, right. jhamela. We'll come to this. Yes. Knowing this part is very important since we are doing a video. Correct. Both are doing a video. Correct. So we'll be giving all informations about it.
देखना चाहा हो, सुना है, आप आके थोड़ा बहुत एक बार देखना चाहा, ऐसा हुआ है? या व्हेन दे फाइंड आउट या फिर वर्ड ऑफ माउथ पे सोचे पिताजी ने गलती से बोल दिया मैंने आई डायरेक्टली से कि वो मर गया, मतलब वो चीज है नहीं, या फिर भाग गया, आई डोंट मैंने बिकॉज आई अवॉइड दैट मैंने पार्ट. ओके, बट ये भी थोड़ा जानने का मेरा उत्सुकता हो रहा है कि एज टू फिर जब आप पाल ही रहे हो, सी एवरीबॉडी, सबका बहुत इच्छा हो रहा है, मेरा भी इच्छा था, मेरा एक बार देखे तो मेरा हाथ में लेने का भी इच्छा हुआ, और उससे पहले मेरा भी थोड़ा बहुत झिझक था स्नेक तो ठीक है मिस्ट्री देख के, हाँ अच्छा लग जाए, पर तो सबका ही इस तरह का उत्सुकता हो ही सकता है, दैट्स वेरी नेचुरल, सबको वो एक जन अर्ज जो चीज नॉर्मली देख नहीं सकते, वी कैन सी इट ओनली जूज एंड इन द वाइल्ड नॉर्मली. करेक्ट. सो तो फिर आपको दिखाने में झिझक क्यों है? जस्ट टू बी वेरी ब्लैटेंट बस पूछने का मेरा मन किया. I feel like pets are a very personal, I have two points for that, okay? Okay. First point is that I feel pets are a very personal thing, okay? And a lot of things which I believe ki zyada pet ko leke advertise karna is not much good, kisi ka bura nazar lag gaya, ye lag gaya, so that is why I avoid, like, you know. So you believe in that? Yeah, yeah. And second point jo hai, see all these exotic parts which you are keeping, like and a person keeping, there is so much mystery, like kya legal hai, kya illegal hai, to log is baat ko leke na, matlab bahut confused rehta hai, and jo log kuch kharab karna chahega na, they will take a bad advantage of it, though kuch problem nahi hai, they will take wrong advantage of it and करके इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बात का पतंग. करेक्ट. ही इज कीपिंग इल्लीगल. आई नो यू, आई नो निर्बंध फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, सो वी हैव अ वेरी बिग एसोसिएशन लॉन्ग टाइम बैक. फॉर लॉन्ग टाइम बैक थे मेरा लाइक स्टिंगरे, आई हैड टू सेल बिकॉज़ वो बहुत बड़ा हो गया था, टैंक छोटा हो गया था, ही वाज अ स्पेशलिस्ट इन स्टिंगरेज आल्सो, रिमेंबर दैट 7-8 साल पहले ही यूज्ड टू कीप स्टिंगरेज एंड ऑल. करेक्ट. सो ही केम टू माय होम एंड ही डिड परचेस वन, इवन दैट एपिसोड इज देयर इन माय चैनल आल्सो. Oh, that is yes, that, yes, yeah, yeah, that, that's wow. It. Wow, white and almost a reddish tone. But is it an albino? Not albino, but it has a red eye. Yeah, it's not. But it might have albino gene, but look wise, थोड़ा बहुत उस वैसा ही कुछ लगा. Yeah, this is a tessera ML. अच्छा, the speed name of yes, the species. Yes, yes, okay. Yes, yes. अच्छा, how big can it be? कितना बड़ा हो सकता है? 3 feet. 3 feet, 4 feet. अच्छा, अभी तक तो पकड़ लीजिए ये मोटा मोटा 1 feet है, तो थोड़ा बड़ा है. 4 feet मतलब बॉड भी बड़ा होगा. अच्छा, it's quite big. Okay. बड़ा होता है. तो ये 4 feet होने में सर कितना टाइम लगेगा? Years, 2-3 years, 3-4 years. तो अभी तो फिलहाल अभी एक एक फाइबर आप बॉक्स में रख रहे हो. करेक्ट. लेटर ऑन आई थिंक यू हैव टू कीप इट इन सम ग्लास एनक्लोजर. या दीस आर a kind of rat snake you can say. Okay. And ye corn snake jo hai, this is totally docile. Okay. Which I have said, koi venom ka koi baat hi nahi hai. Might be if it becomes aggressive later on future, any type, it might try to bite you. Okay. And jo shayad aapka haath pe thoda chot pahuncha sakta hai, but it can't poison you to death. Okay. Achha, chot agar pahuncha sakta hai na later stage mein jab bada honge, to kis tarah ka chot ho sakta hai? Bite mark, bite. Yes. That's it, nothing else. Ki yeah. Aapko doctor ke paas jaake you have to treat and all. You might be able to treat because unke to muh pe matlab you know bacteria wagera hai. So when it's biting and if it's entering your bloodstream, so your bacteria or infection hone ka dar hai na. So for that you have to go to the doctor. But not that you have to save your life right now ki mar jaoge kuch der mein. It's not nothing like that. Nahi, to kuch der mein na sahi. If you don't treat it, if this non-poison snake agar bite karta hai, and if you don't treat it by going to the doctor, to fir kya wo aisa kuch chance ho sakta hai ki infection, secondary infection, might be secondary infection occur ho sakta hai us bite se, but nothing matlab deadly kuch nahi, jaisa matlab ek ginkgo bada ke agar matlab kaat liya, that's deadly and you're dead within the next few time or like minutes ho ya fir hours jo bhi hai, I don't know the exact time, but haan, but you will die. So, हाँ तो but in a non-poisonous case आप जो बोल रहे हो, जो question of dying तो doesn't come at all. No. पर एक बार doctor को दिखा लेना is better, you're telling. It's better if it's fatal. Okay. Fatal अगर bite हुआ, then you have to just better you consult with the doctor. Okay. So in that case, how would you be able to know कि whether it's fatal or not? आपको समझ में कैसे? Your hand will be bleeding that time. Like if it bites hard, and अगर यहाँ पे मतलब चोट पहुँचा, blood निकलना start हुआ, blood निकला तो it's a fatal bite. Okay. And it's better you take, जैसे क्या मतलब एक कुछ भी wild animal हो या फिर रास्ते में एक बिल्ली काट दिया, कुत्ता काट दिया, एक scratch अगर पड़ा तो we ignore it ना, but जब when it's a bite,
it starts bleeding, then we take it seriously and we go to the doctor. Same thing, I think. But this size ka us tarah ka koi chances hai nahi, right? You're like absolutely bigger size, 3-4 feet. This stage it is maybe. It is scared of us only. Okay, this stage. Okay. And this one is a new one, so it abhi bhi pehchan raha hai dheere dheere dheere. आपका इससे पेट स्नेक देख के बहुत लोग ऐसा शायद मन करेगा भी यार, क्योंकि क्योंकि आप एक इंसान हो, फ्लेश एंड ब्लड, आप पाल सकते हो, तो व्हाई नॉट मी, राइट? ऐसा करेक्ट. सो पर आने से पहले उसका मोरलेस एक तो ए टू जेड उसके बारे में जान लेना चाहिए, जो कि आई सपोज काफ़ी हद तक ये वीडियो में आपको मिल जाएंगे. तो क्या क्या चीज़ जानना चाहिए अबाउट स्नेक्स बिफोर यू बाई और इवन कंसिडर कीपिंग अ स्नेक? First thing, whenever you're selecting a snake, if you're a newbie, I would say go for like research कर लो कि क्या क्या तुम लोग का list पे whichever you want you can keep, मतलब जो रख सकते हो. Firstly आपका depend करेगा size and how its aggression is, ठीक है. Lot of people go for ball pythons, which is treated as a beginner snake. I feel ball python should not be treated as a beginner snake. Okay. I feel corn snake should be. बहुत लोगों को बोलता है कि corn snake shouldn't be treated as beginner snake. And this is my personal opinion. There is a little bit of debate. You can say. Because क्या होता है ना, for in case of ball pythons, उन लोगों को feeding में थोड़ा दिक्कत होता है. And that grows, like एक बच्चा ball python ये size का आता है, ये thick होता है. अच्छा. ठीक है. And you might not be ready for that. And feeding का problem भी होता है. तो इसका फीडिंग का प्रॉब्लम इज मच लेस. अगर एक बार प्रॉपरली फीड कर लिया, इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम द सैलड, इफ इट शोज द फीडिंग वीडियो एंड ऑल, इफ एवरीथिंग इज फाइन, यू आर गुड टू गो, अनलेस इसका कोई प्रॉब्लम हो. बट फॉर इन केस ऑफ बॉल पाइथन, आई फील इट दे आर अ बिट मूडी, खाना खाया नहीं खाया, फिर उसके बाद इतना एक्टिव शायद ना रहे. एंड इट हैपन्स कि बाद में जाकर उन लोग का बाइटिंग टेंडेंसी भी आता है. आई नो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है. सो सिलेक्टिंग अ स्नेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कौन सा स्नेक रखोगे. एंड एनक्लोजर, हाउ बिग यू आर एबल टू कीप, स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर स्नेक एज मच एज पॉसिबल. इसके बारे में पढ़ना, वॉट ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट, देर आर लॉट ऑफ स्नेक्स लाइक द ग्रीन ट्री पाइथन, ठीक है, इट लुक्स वेरी गुड, वेरी एग्रेसिव एक लुक है, बट दैट पाइथन यू नो ले रिक्वायर वेरी गुड ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी नहीं रहा तो देन इट विल हैव प्रॉब्लम्स, बट इसका उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो देन आफ्टर दैट कमिंग सिलेक्शन ऑफ द स्नेक, यू हैव टू नो अबाउट इट्स फीडिंग हैबिट, लाइफ कितना दिन पे खिलाना है, कैसे क्या हैबिट क्या कराना है. एंड आई फील लाइक फॉर रेप्टाइल्स इट इज सेड दैट द यूवी लैम्प इज मस्ट. It is it is must, but whatever UV lamp we get in India is not actually UVB lamp, it's all UVA or heat lamp jo bola jata hai. So that creates problem in lot of reptiles. Recently mera bhi circle pe hai, so that guy was having problem with his iguana. Okay. So he's not using any sunlight and all, he's using that bulb only. So I feel sunlight is a must requirement for any reptile. I do same sunbathing for this one, for both of my snakes every alternate days, ठीक है. एंड थोड़ा सा बाथ देता हूँ, शैलो वाटर बाथ, ठीक है, एवरी 2-3 days छोड़ के मैं देता हूँ, 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर यू हैविंग, ठीक है. क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गया, ठंडी के टाइम पर इतना नहाओगे तो ठंडा लग जाएगा, ठीक है. सो बेदिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. वो लोग थोड़ा पूप भी करता है उस टाइम पर, एंड दे गेट देयर बॉडी वेट. एंड शेडिंग के टाइम पे, ठीक है, शेडिंग जब करता है मतलब दे रिलीज देयर स्किन, तो तब उस टाइम पे दे नीड टू स्टे हाइड्रेटेड एज माने गुड एज पॉसिबल. सो वाटर बोल इन देयर सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्नेक ऑल्सो ड्रिंक्स वाटर वेरी वेरी माने अच्छे से पीता है. तो वही शेडिंग के टाइम पे अगर वाटर नहीं रहा, देन द स्नेक विल बी लाइक इन अ वेरी बैड कंडीशन. अगर वो मतलब उस टाइम पे अगर वो अटक गया स्किन, ओल्ड स्किन, देन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इट. तो ये चीज़ हैज़ टू बी कैप्ट इन माइंड. एंड ये चीज़ मतलब मेरे यहाँ पे एक स्नेक में प्रॉब्लम आया था, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से, जस्ट व्हाट आई वाज टेलिंग यू बिफोर, तो दैट वाज वेरी फेटल. एंड माइट बी एक न्यू हॉबिस्ट के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है. एंड आई एम लकी इनफ कि मेरे सर्कल पे मतलब जो लोग था, दे हैड वन ऑफ देम हैड वेरी दे गाइडेड मी इन द बेस्ट वे पॉसिबल. तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, बट वही अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है. एंड कीप द एनक्लोजर क्वाइट क्लोज्ड, क्योंकि एक भी अगर थोड़ा सा भी गैप रहा तो दे विल
escape. Definitely they will escape. Achha. And bedding उसका अच्छा देना पड़ेगा because bedding अगर अच्छा नहीं रहा तो उन लोग को दिक्कत होगा. Plus मैं clean रखना पड़ेगा so that mites does not come. Mites वगैरह आ जाते हैं. We'll be coming down to all these minute questions. Correct. अच्छा तो tell me कि आप जो फिर बोल रहे हो definitely एक box में enclosure में रखना तो कोई hole करना नहीं चाहिए क्या वो box में so that they can breathe. सी बॉक्स में होल करना चाहिए बट ऐसा होल करना चाहिए कि ताकि ये बाहर ना निकल जाए. बिकॉज हाउ डू यू डू इट इन योर एनक्लोजर लाइक इज देयर एनी होल एट ऑल ओके या आई पुट छोटा छोटा मैं होल बना स्किल होल ताकि वो इट कांट एस्केप यू हैव टू अच्छा यू हैव टू टेक दैट. उसे क्या होता है मतलब इफ इट्स एन ओपन एनक्लोजर फर्स्ट थिंग वो निकल जाएगा. सेकंड थिंग ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल नहीं होगा. थोड़ा सा बंद रहता है तो ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा अंदर रहता है तो दैट बिकम्स गुड फॉर द स्नेक. एंड ये बोलिएगा कि एज टू एक जन को जब बोलो डेफिनेटली नॉलेज लेना है ऑल दिस नॉलेज यू हैव टू ए टू जेड शुड आई से एंड ऑल. तो नॉलेज अगर आपके पास कोई हॉबीज है जिसको रखना का इच्छा होगा सो और उसका कोई जान पहचान का कोई नहीं है यानी स्नेक कीपर में समबडी इज पेटिंग अ स्नेक तो फिर वो कहाँ से उनको वो नॉलेज मिलेगा. गूगल से मिल जाएगा सब कुछ. गूगल इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लॉट ऑफ आंसर्स. ठीक है हज़ार लोगों का 2000 ओपिनियन है आई से तो मतलब बट गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली जैसा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो लोग खुद पाले हैं सो दैट्स द बेस्ट. ये भी है बट एक्चुअली पालता बहुत लोग है बट प्रॉपरली रखना मतलब इज अ बिग थिंग. So absolutely. You have to get mentoring from someone who actually studied it, actually kept it and actually knows about it. खरीदना बड़ा डील नहीं है but who's keeping it for the long term, that's the biggest question. Maintaining is correct. Yeah. Because अभी दो महीना तीन महीना रखने से मतलब no one becomes a snake keeper because तब problem समझ में नहीं आता है but when mishap happens we get to know that time कि क्या problem है क्या नहीं है. Essential thing of it is keeping and taking care of a snake, right? Or taking care and keeping में तो obviously setup सबसे पहले आता है. So what exactly should be the setup of a snake? वो कैसा उसको बनाना चाहिए, क्या-क्या चीज उसमें होना चाहिए and how to maintain the setup also. Okay. So basically setup बोले तो यहाँ पे maximum हम लोग plastic boxes use करते हैं, ठीक है भैया. And बहुत अगर if you want to make a proper setup, you can give a aquarium, उस पे थोड़ा सा डाली वाली डाल के you can set it up, ठीक है. But first thing if you are using a plastic setup, पहले नीचे एक पेपर डाल के न्यूज़पेपर डाल के उसके ऊपर अच्छे से एक बेडिंग डाल दो. चिप्सी बोल के एक बेडिंग आता है दैट्स वेरी गुड एंड नॉट टू यूज़ हस्क एंड ऑल और भी बेडिंग होता है नॉट टू यूज़ दैट. चिप्सी डाल के एक लेयर पोटेड ओवर देयर थिक लेयर ताकि वो छुप पाए या फिर अपने तरीके से वो रह पाए. वाटर बोल इज कंपल्सरी. वाटर बोल डाल दो एंड कवरिंग द टॉप छोटा छोटा होल बना के सो दैट एयर पास करे. And add a heat lamp to it, that setup. देखिए heat lamp मानी UVA UVB जो भी है वो basking light, basking light जो है मतलब वो डाल दीजिए if you're not having any outdoor setup. ठीक है. Now basically आपके वहाँ पर जो temperature to be maintained, ठीक है, तो it should be around 24 degrees to 26, 27 वैसा होगा तो for the cool side. And basking area पे जब देंगे the basking area should have 30, 32 वैसा temperature it should be there. उसके मन के हिसाब से इट विल बास्क और इट विल मतलब नॉट बास्क डिपेंडिंग अपॉन दैट. ओके सो यू मीन टू से एक ही सेटअप में दो तरह का टेंपरेचर कभी कभार होंगे व्हेन यू पुट लाइट ऑन. बेटर फॉर ऑल रेप्टाइल एनक्लोजर्स की दो टाइप का टेंपरेचर. कूल साइड इट इज नोन एज कूल साइड एंड द वार्म साइड ऑफ द सेटअप. ओके तो उसको जैसा पसंद आ रहा है उस हिसाब से वो दैट पर्टिकुलर एरिया में चला. बिकॉज इट्स इन एनक्लोज्ड नो इट कांट इट्स डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू सेट इट अप एंड वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो चलेगा. यू हैव टू गिव इट इट्स एनवायरनमेंट इट्स व्हाटएवर इट रिक्वायर्स. क्योंकि अगर ज्यादा अनकंफर्टेबल हुआ देन इट विल गेट स्ट्रेस्ड आउट एंड इट नीड्स अ हाइडिंग स्पेस हाइडिंग स्पेस. ठीक है फ्रेंड्स मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और एनकरेज करते रहिएगा ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ.